नमस्कार, मैं हूं डीएसके और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस मराठी के ऐतिहासिक स्क्रिप्टेड एपिसोड की। इस एपिसोड में स्क्रिप्ट वाला जो ट्विस्ट आया है, जो कि कहीं ना कहीं महेश मांजरेकर और चैनल की दोगली सोच और उनके कॉन्ट्राडिक्टिंग बिहेवियर को एक्सपोज करता है। शिवानी सुर्वे, जो कि 21 दिन के बाद शो से निकल गई थी, उसके बाद उन्होंने बढ़िया तरीके से सारे एपिसोड्स इधर उधर रिवाइंड फॉरवर्ड करके देखे, बढ़िया तरीके से गेम को स्टडी किया, अपना ट्रीटमेंट वगैरह कराया, बाहर से फीडबैक वगैरह लिया और उसके बाद मेहमान के रूप में आई। और आप देखो, एक ही दिन में ऐसी कई चीजें हुई हैं जो कि कहीं ना कहीं फुल ऑन स्क्रिप्टेड दिखाई दे रही हैं। ये सारी चीजें इत्तेफाक बिल्कुल नहीं हो सकती। जैसे कि बिग बॉस के कन्फेशन रूम में शिवानी सुर्वे का आना और उनको मेहमान से एक कंटेंडर, एक कंटेस्टेंट बना देना, उसी दिन उनका कप्तान बन जाना, और यही नहीं, उसी एपिसोड में तथा कथित लव बर्ड्स वीना और शिव एक दूसरे से, ये कह लीजिए कि वीना ने दूध में से मक्खी समझकर शिव को साइड में बटा दिया और अपना वो जो होड़ी का गोल गोल धागा घुमा के, जो थ्रेड था उसे घुमा के, मैं तो बाहर जाकर तो उससे बात भी नहीं करने वाली हूं। तो एक ही दिन में ये सारी चीजें एक साथ होना पूरी तरह से एक ही बात का इशारा है कि ये शो एकदम स्क्रिप्टेड हो चुका है। इसमें कहीं कोई शक की बात ही नहीं है। एक चीज इत्तेफाक हो सकती है, दो चीज इत्तेफाक हो सकती है, तीन चीजें एक ही एपिसोड में, इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंट, इट्स अ प्री प्लान्ड थिंग। इस एपिसोड की बात करने से पहले मैं जरा पिछले सीजन का थोड़ा सा आपको रीकैप देता हूं, आपकी शायद याददाश्त ताजा हो जाए। सुशांत शिलार करके एक कंटेस्टेंट थे जिनको हाइपर एसिडिटी वगैरह हो गई थी एंड सडनली उनको मेडिकल रीजन से बाहर जाना पड़ा। जब वो बंदा आया स्टेज के ऊपर तो महेश मांजरेकर जी ने अपने एकदम पोपट वाले रंग वाला सूट पहना था, एकदम तोता कलर का सूट, और उन्होंने घर वालों और सुशांत तो सही रेशम आस्था भूषण सब बोल ही रहे थे, परत आ जा, वापस आ जा, घर के अंदर वापस आ जा, बस महेश मांजरेकर जी क्या बोले, ये बाहर से सब देख करके आया है, एक्स्ट्रा एडवांटेज लिया है इसने, शो को स्टडी करने का टाइम मिला, बाहर का फीडबैक, पब्लिक का मूड, और मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ, ये सब चीजें देखने का टाइम मिला। सो विच इज एक्चुअली अनफेयर, अनफेयर वर्ड जो था उन्होंने तीन चार बार यूज किया था बाकी घर वालों के लिए जो डे वन से हैं, उनके साथ ये थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा कि एक बंदा जो कि शो को बाहर से पूरा स्टडी करके आ चुका है वो वापस घर में आएगा तो कहीं ना कहीं वो गेम के फॉर्मेट और शो का जो डायनेमिक या जो इक्वेशन बन चुकी है घर वालों की, वो कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। ये रीजन देकर के सुशांत शेलार को बाहर निकाला गया था। ऑल दो हम बिग बॉस हिंदी में कई दफा देख चुके हैं, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल स्वामी ओम तो अपने केसेस के चक्कर में तीन चार बार घर से बाहर गया था। अरे मनवीर, अरे मन्नू, हमारा नोएडा में बहुत स्वागत हुआ, अरे तुम तो हीरो बन गए हो, अरे हम तो बहुत अच्छे हैं सुपरस्टार। सो स्वामी ओम ही नहीं, प्रियंका जग्गा जो कि गई थी फिर वाइल्ड कार्ड बन के वापस आई, प्रियंका शर्मा पहले ही वीक में लताड़ के निकाल दिया गया था, फिर लेटर ऑन वापस घर के अंदर बुला लिया गया था। कहने का मेरा मतलब है हिंदी बिग बॉस में ये चीजें हमने बहुत जनरल तौर पर देखी, बहुत ही आराम से देखी, और वहां सलमान खान ने कभी ऐसे स्टेटमेंट दिए नहीं थे कि आप बाहर गए, आपने बाहर देखा उसके बाद अंदर आए, सलमान खान ने कभी ऐसी चीज नहीं बोली। लेकिन महेश मांजरेकर साहब ने स्पेसिफिकली कुछ इन्वर्टेड कॉमा लगाकर ऐसे वर्ड बोले थे कि ये बाहर से सब देखकर आया है, विच इज अनफेयर टू द कंटेस्टेंट हु वाज स्टेइंग इन फ्रॉम द डे वन। लेकिन यहाँ महेश मांजरेकर साहब ने अपने ही स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट किए जब उन्होंने संडे सैटरडे बोल दिया कि शिवानी तो डार्क हॉर्स साबित हो सकती है। कहीं ना कहीं वो शायद एक इशारा दे रहे थे कि शिवानी इज कमिंग इनटू द गेम एज अ कंटेस्टेंट, और कहीं ना कहीं शो मेकर, चैनल, क्रिएटिव टीम, महेश मांजरेकर होस्ट सबने यू टर्न लेकर अपने ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है। बात करते हैं इस एपिसोड की, तो ये एपिसोड स्टार्ट हुआ था ब्रेकअप वाली फील पर, जहां पर कि वीना खुलकर बोल दी शिव से कि अब भैया तू अपना अपना देख लो यार, फीडबैक बहुत मिल चुका है, गए वीक भी मिला था, ये वीक भी अपने को सुनने को मिला है, सो इट्स बेटर कि गेम पर फोकस करो, अपना अपना रिलेशन वगैरह सब साइड में जाए। सो कहीं ना कहीं जैसा कि हम पिछले दो तीन दिन से कह रहे थे, वीना इज टू प्रैक्टिकल, उसने गेम को प्रायोरिटी दी, शिव के रिलेशन फीलिंग को साइड में कर दिया। शिव ऑल्दो अभी भी उसको मनाने के पीछे पड़ा है और वीना जिस तरह से उससे पल्ला झाड़ रही है कि बहुत रूठना मनाना ये सब होता है, ओह माय गॉड, अगेन अ कॉन्ट्राडिक्शन वाला स्टेटमेंट, रूठना मनाना छोटी छोटी बात पर इश्यू करना तो वीना तुम करती हो, शिव तो क्या है कि पीछे पीछे पूंछ हिलाते चला आता था तुम्हारी। बट आई थिंक जिस तरह वीना ने टके सा जवाब दिया कि मैं तो शो के बाहर जाने के बाद भी तेरे से बातचीत करने का कोई मेरा प्लान नहीं है, एंड शिव का कहीं ना कहीं फिर से एक इमोशनल फूल खुद को साबित करना कि यार तू मेरे से बात नहीं करेगी तो आई विल फील अलोन और कमजोर, सो विच आई फील इज
वेरी पथेटिक वाली थिंकिंग यार शिव, तुमको इतना फीडबैक मिला है, इतना वो लड़की अपने रंग दिखा रही है, बट फिर भी तुम कह रहे हो मैं तेरे बगैर कमजोर हो जाऊंगा यार, व्हाट द कोलावेरी इज दैट। अब इत्तेफाक देखिए, यहाँ शिव और वीना एक दूसरे को कन्विंस करने रूठने मनाने का खेल खेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं तो शिवानी केलकर और नेहा, वहां पर नेहा आई थिंक इसको वीकेंड चाहता जो समझाया जाता है, इस पर कभी कोई असर होता नहीं है, रूठना मनाना छोटी छोटी बात पर रूठ जाती है। क्या बोला था शिवानी ने, केलकर तो खैर अपने स्टेटमेंट दे ही रहा था कि मैं तो यू नो नेहा तेरे को आउट करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी, जबकि केलकर के दिमाग में सिर्फ नेहा चलती है। यहाँ शिवानी ने कौन सी गाली दे दी थी नेहा को, एक छोटी सी बात तो कही थी, क्या तेरे को ये अपेक्षित था क्या कि वो शिवानी का मर्डर करेगा तेरा मर्डर नहीं करेगा, क्या तू ये चाहती थी कि तू बच जाए शिवानी का मर्डर हो जाए और तेरा मर्डर हो गया इसलिए तुझे बुरा लगा। इतनी सी आई थिंक ये कोई बहुत ज्यादा तो हर्ट वाला या हर्टिंग स्टेटमेंट था नहीं, जिसके ऊपर आपने देखा फटाक से नेहा अपना ज़ॉम्बी मुंह लेके फिर चले गए अंदर। तो नेहा तो मतलब क्या एकदम छोटे से बच्चे नहीं होते, छोटी सी बात पे टीवी का रिमोट हाथ से छीन लिया, एकदम शादी में आए हुए फूफा का फीमेल वर्जन लगती है, शादी में आए हुई बुआ ज़ॉम्बी बुआ जो कि छोटी छोटी बात पर रूठ जाती, फिर शिवानी उसको मनाए रूठना। हम वीना और शिव का रूठना मनाना देख देख के वैसे ही पक चुके हैं, एंड यहाँ पर शिवानी नेहा रूठना मनाना, ऑल्दो यहाँ पर मैडी ने बढ़िया तरीके से पॉइंट पकड़ा था कि ये रूठना मनाना हो रहा, हो सकता है टीम इक्वेशन वगैरह चेंज हो, और लो भाई लौंडे का तुक्का लग गया, नई जो कैप्टेंसी वाली टास्क शुरू हुई है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, बिग बॉस के इतने सीजन में हम देख चुके हैं, वीक स्टार्ट होता है मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे नॉमिनेशन टास्क होती है, उसके बाद थर्सडे फ्राइडे कैप्टेंसी, आरोपी गुनहगार जेल कोट कालकोठरी, खैर कालकोठरी तो यहाँ पर सिर्फ एक शोपीस बन के रह गई। तो यहाँ बिग बॉस एकदम उल्टे डायरेक्शन उल्टी गंगा बह रहा है, मंडे ट्यूजडे कैप्टेंसी टास्क होती है, उसके बाद फिर नॉमिनेशन टास्क होती है, फिर कोई कैप्टन पता नहीं, ये लोग यार उल्टी गंगा बह रहे हैं। इस बार जैसा कि मैंने स्टार्ट में इस वीडियो को कहा सब स्क्रिप्टेड लग रहा है, और ये यू नो पूरा कैजुअल अप्रोच भी मैं कहूंगा टीम का, इनको क्या जैसे तैसे 100 दिन कंप्लीट करने की यार कर लो जैसे तैसे। सो यहाँ कैप्टेंसी का टास्क शुरू होता है जिसको कि नए कंटेस्टेंट आर वो पढ़ते हैं, आई थिंक 9 या 10 मिनट तक वो पढ़ते रहते हैं सारे रूल्स नियमावली, और यहाँ एपिसोड के स्टार्ट में हमने देखा शिव और वीना अलग अलग हो चुके हैं वीना की स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिकल एटीट्यूड की वजह से, तो बिग बॉस ने यहाँ पर शिव को शिवानी की टीम में कर दिया और उधर वीना चली गई। और इसी दौरान यहाँ बिग बॉस ने रूपाली के मुंह पर एक और जिल्लत का लड्डू जिल्लत का पापड़ और यू नो थाली भर भर के जिल्लत भेज दी कि रूपाली को तो गेम समझ में ही नहीं आता है, वो तो अपना अलग ही बिग बॉस चलाती है और रूपाली तो खिसियानी बिल्ली की तरह बस मुंह छुपा के एक बनावटी फेक हंसी हंसती रही। रूपाली को इस कैप्टेंसी की टास्क से बाहर रखना भी एक स्क्रिप्टेड मूव ही कहा जाएगा, बिकॉज बिग बॉस रूपाली को शो से बाहर निकालना चाहते हैं, और उस चीज के लिए बिग बॉस को मैं गलत नहीं बोलूंगा, बिकॉज रूपाली शो के लिए परफेक्ट बिल्कुल नहीं, उसको शो की समझ ही नहीं है, वो खुद को बहुत बोलती है स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, लेकिन आपने इस एपिसोड में भी देखा होगा ये जो कैप्टेंसी वाली जो लिलीपुट और महामानव वाली जो हल्ला बोल टास्क थी, इस टास्क में भी आप देखें सबने बहुत ब्रिलियंट परफॉर्म किया, लेकिन सो कॉल्ड इंडिविजुअल और स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लाइक रूपाली और वीना, इन लोगों ने सबसे कमजोर और सबसे फिसलती इस टास्क में मुझे लगे हैं। ऑल द ये टास्क वगैरह होती इसके पहले हमने वीना को रूपाली और हिना को भी कहीं ना कहीं यू नो अपनी दो बैसाखियां बनाने की तरफ से फिर से कदम बढ़ा लिए हैं, तो अगेन यू टर्न कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि देखिए अकेले अकेले ये बहुत बोलते हैं बट बगैर बैसाखियों के ये लोग चल नहीं सकते, क्योंकि इनमें कोई वो कुव्वत नहीं है, वो लायकियत नहीं है, वो टैलेंट नहीं है कि यू नो कोई इन्हें अपनी टीम में आगे बढ़ के ले, ये जबरदस्ती चिपक जाती है फेविकोल लगा के। अब जिस तरह से आज इस टास्क में शिव ने परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक यू नो शिव ने वो फ्लेवर कह लीजिए, वो तेवर कह लीजिए, वो ट्रेलर कह लीजिए जो हम देखना चाहते थे, शिव ने इस टास्क में जान डाल दी है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो भी टीम या जो भी ग्रुप होगा वो हमेशा यही चाहेगा कि शिव हमारी साइड आ जाए। इस एपिसोड में शिव ने जान डाल दी है भाई, मतलब ये तेवर में देखना चाहता था शिव के, बंदे ने यू नो नी पैड बंधे हुए हैं, हवा में लटक कर अपने हाथों के जोर से जेल की जो कालकोठरी की जो सरिये बोल लीजिए वो जो था उसको पकड़ कर लटक कर जिस तरह केलकर से वो उसका जो प्रतिकृति थी उसकी फोटो वगैरह की वो छीनी है, हैट्स ऑफ मेड, उसने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल टफनेस भी दिखाई और ये भी दिखाया कि उसको खेल की कितनी समझ है। तो आज इस टास्क में तो भाई शिव ने दिल जीत लिया जी भर के, और कहीं ना कहीं दिल जीतने में इसलिए भी कामयाब रहा वो क्योंकि उसकी टीम में वीना नहीं थी, अदरवाइज वो टास्क कम विनी विनी ज्यादा करता।
सो ये जो टास्क थी, यहाँ शिवानी और केलकर के बीच में प्रतियोगिता थी, इनकी जो प्रतिकृति तस्वीरें जी थी वो जो एक छोटी सी मूर्ति के उसमें थी जो कि बचाना था। और यहाँ बिग बॉस ने नियमावली में स्पष्ट कर दिया था, शक्ति और युक्ति दोनों ही तरीके से आपको यहाँ पर सामने वाले की जो मूर्तियां हैं प्रतिकृति है वो नष्ट करनी है और अपनी बचानी है। तो यहाँ पर आप टास्क के नजरिए से देखें तो जो नया बंदा है आरोह, उसने भी भाई सामने वाली टीम की तरफ से जान लगा दी, बहुत ब्रिलियंट तरीके से परफॉर्म किया। साथ ही साथ हीना ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और किशोरी जी ने भी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। लेकिन रूपाली और वीना जो तथाकथित बहुत स्ट्रांग है, इनका इन्वॉल्वमेंट कह लीजिए, कॉन्ट्रीब्यूशन कह लीजिए, एकदम नील बटे सन्नाटे से ज्यादा और कुछ भी नहीं था। सिर्फ बैकग्राउंड में भागती दौड़ती रही, लेकिन कहती खुद को बहुत स्ट्रांग है। सो ये जो टास्क शुरू हुई थी, यहाँ पर फिर से घर वालों ने वही गलती करी जो वो अक्सर करते हैं। जब नियमावली में सब कुछ लिखा गया है, लाइन के उधर रहना है, बजर बजेगा उसके बाद, लेकिन ये सब पहले से ही टूट पड़े थे, तो वापस से सबका पोपट करके फिर से बिग बॉस ने अनाउंस किया, फिर से सब खड़े हुए और एक एक करके आए, सब झुंड में नहीं टूट पड़े। तो यहाँ शिव ने बहुत अच्छे तरीके से शिवानी की जो तस्वीरें थी उनको डिफेंड भी किया और केलकर की तस्वीरों पर अटैक करके उन्हें डैमेज भी किया, डिस्ट्रॉय भी किया। केलकर जब वो जो कालकोठरी थी उसकी जाली पर चढ़ गया दरवाजे पर, तो शिव ने बहुत ब्रिलियंट तरीके से अपनी स्ट्रेंथ दिखाई और एक हाथ से लटक कर दूसरे हाथ से उसका तस्वीर फेंका। उधर नेहा वगैरह भी काफी अच्छा एफर्ट कर रही थी। यहाँ जब केलकर उस कालकोठरी के गेट से कूदा तो नीचे वीना थी, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े, लेकिन कहीं कोई ऑब्जेक्शन, कहीं कुछ जिस तरह हमने वो कुर्ची सम्राट वाली टास्क देखी थी, बहुत भगदड़ मची थी, एक आदमी ने औरत के ऊपर हाथ उठा दिया, यहाँ तो पूरा आदमी गिर पड़ा लड़की के ऊपर, लेकिन वो चलता 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 है। यहाँ मैंने कुर्ची सम्राट वाली टास्क का जो जिक्र किया वो जानबूझ कर किया। इस टास्क के दौरान आपने देखा माधव बहुत वाइल्ड हो गया था, बहुत ही वाइल्ड हो गया था, और उसने लिटरली केलकर के हाथ से उसकी जो प्रतिकृति थी वो छीन कर फेंक दी। और ये हम सब ने देखा है, आपने भी देखा होगा। इस पॉइंट को आरओ भी रेज करता कि भाई अगर ऐसे ही करना था तो मैं शिवानी के हाथ से कब का छीन के फेंक देता, लेकिन टास्क को टास्क की तरह से खेलना था। यहां पर मैं कुर्ची सम्राट वाले टास्क का जिक्र जरूर करूंगा। यहां पर आपने देखा शिवानी इस टास्क के दौरान रो पड़ी जब उसने मैडी का एकदम वाइल्ड तेवर देखा और एक कोने में घिर गए थे, जैसे होता ना फंस गई रजिया गुंडों में, तो सब शिवानी के कोने में ही आके सब लोग, पूरा जो माहौल था वो सिर्फ एक कोने में सेंटर्ड होकर रह गया था जहां शिवानी रो पड़ी। क्यों रो पड़ी शिवानी? शिवानी को तो आई थिंक टच भी नहीं हुआ होगा, जिस तरह से माधव वाइल्ड था, गुत्थम गुत्ता ये लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, माधव हीना के ऊपर भी गिर पड़ा था और जो छीना झपटी में कई लोगों को इंजरीज आई है, ये सब देखकर शिवानी जी रो पड़ी। वाह शिवानी जी, इतने में आप रो पड़ी, ये वाइल्ड तो कुछ नहीं था। जिस तरह पराग के ऊपर इन लोगों ने एकदम चारों तरफ से अटैक किया था और उसके बाद आप माधव जिस तरह से वाइल्ड दिखा है हमें, उसके एकदम कहना चाहिए एक बहुत गुस्से वाले तेवर, जुनूनी तेवर कि कुछ भी करूंगा टास्क में, यही तेवर उसके कुर्सी सम्राट वाले टास्क में भी थे, जहां पर कि पराग के एक्शन के बाद इन लोगों ने जो रिएक्शन किया, लात घुसे मारे, तो वो तो हम इमेजिन कर ही नहीं सकते। तो यहाँ तो शिवानी जी आप 2 मिनट में रो पड़ी, जस्ट इमेजिन कि वहां पराग के साथ क्या क्या हुआ होगा। वहां पर तो पूरी दुनिया कह रही कि पराग ने गलत किया, पराग ने गलत किया। आज आपकी आंखों के सामने इतना हुआ उसमें आप तुरंत रो पड़ी, और वो भी तब जबकि आप वो शिवानी हो जिसने खुद ने वीना को लात मारी थी, जिसने पराग के ऊपर लपड़ उठा लिया था, जिसने टंगड़ी मारकर गिराने की कोशिश की थी, हर तरह से बंदे को कहीं ना कहीं इंस्टिगेट करना या सताने की पुरजोर आपने कोशिश की, किक आपने मारी, और आज आप इतनी मासूम बनने की एक्टिंग कर रही हो कि मतलब आप तो कोई सती सावित्री हो, जैसे कि आपने जिंदगी में कभी ऐसी चीजें देखी नहीं हो, इस तरीके से रिएक्ट कर रही हो। सो आई थिंक यहाँ पर ये कुछ और नहीं था बल्कि इमोशनल कार्ड खेला था शिवानी ने, क्योंकि जैसे ही वो रो पड़ी सबने टास्क करना बंद कर दिया और बिग बॉस ने अनाउंस कर दिया कि शिवानी टास्क जीत गई। अब मुझे नहीं पता कि आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुर्ची सम्राट टास्क का जिक्र मैंने पर्पसली किया है कि यहाँ जितना वाइल्ड माधव था उससे ज्यादा वाइल्ड उस टास्क में केलकर और ये माधव दोनों मिलकर के थे। आज क्या है कि केलकर और माधव दोस्त है भाई, केलकर के दिमाग में अभी माधव टारगेट नहीं है, पराग टारगेट था। सो जस्ट आप इमेजिन कीजिए ना, माधव अकेला इतना वाइल्ड था उस समय, तो नेहा वैशाली माधव और केलकर ये चार लोग वाइल्ड होकर टूट पड़े थे पराग के ऊपर, आपने तो सब देखा ही है। लेकिन यही लोग हैं और आपस के दोस्त यार हैं, कोई किसी के माइंड में कोई टारगेट है नहीं, तो कोई इस बात का इश्यू बनाएगा नहीं। वहां तो बहुत बोला गया था पराग ने एक महिला के ऊपर हाथ उठा दिया, यहाँ तो पूरा केलकर ही वीना के ऊपर गिर पड़ा, माधव ने हीना के ऊपर गिर पड़ा, कहीं हमने कोई ऑब्जेक्शन या इश्यू नहीं देखा, ना ही इन्होंने इश्यू उठाया, ना ही उन्होंने आगे बढ़कर इस बात का कहीं कुछ रेज करा, ना ही सोशल मीडिया इस बारे में कुछ बोलेगा,
दोगलापन इसी को तो कहा जाता है भाई, दोगलापन इसी को कहा जाता है। यहाँ दोगलापन की एक और बात हमें देखने को मिली, यहाँ तो रो पड़ी शिवानी, लेकिन वही शिवानी हीना के ऊपर टॉमी चू टॉमी चू टॉमी कर करके जिस तरह भाषा का प्रयोग कर रही थी, हीना को बहुत ज्यादा इंजरीज हुई हैं कहीं ना कहीं, जिस तरह सब लोग एक गोद में उठा के ला रहे थे शिवानी को, हीना अकेली हमें कोने में बैठी दिख रही थी, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको सिंपथी तो डेफिनेटली मिली होगी, कहीं ना कहीं वो कॉर्नर्ड महसूस कर रही थी। आरोह ने आकर उसको कंसोल किया और अपना तात्या बिच्छू तो गले लगकर रो पड़ा, जिससे कि उसके भी गुर्दे छिल गए हो, कहीं ना कहीं शायद वो हार का एक दर्द भी होगा जो कि उसने मौके की नजाकत को देखकर दूसरे तरीके से आंसुओं को निकाल दिया। सो शिवानी बन गई है कप्तान, और उसके बाद एपिसोड जब खत्म हुआ था आपने देखा कि रूपाली फिर से चिल्लाने लग गई कि ये कुछ बात कर रही थी कि ऐसा बोला वैसा बोला, तीमला नहीं अबड़ता। अरे क्या नहीं अबड़ता, तुम 3 में न 13 में हो और बखेड़ा इतना खड़ा करती हो, क्या है कि टास्क में तुमने कुछ किया तो है नहीं जिसके लिए तुम्हें याद किया जाए, तो चलो जोर जोर से चिल्लाओ ताकि हम कैमरे पर दिखें, ऑडियंस को लगे अरे मैं हूं मैं हूं मैं हूं, आप सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान हो और कुछ नहीं। वेल यही रही एंड ऑफ द एपिसोड, मैंने देखा एक ही थाली से शिव और मीना फिर से खाना खा रहे, तो शिव तो आई थिंक बहुत इमोशनली यू नो पूरा उसने झोंक दिया खुद को, लेकिन मीना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है और मीना सिर्फ शो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही है, उसको इमोशंस की कोई परवाह नहीं है। शिव को भी आई थिंक थोड़ा समझना चाहिए यार, खेल खेलने आए हो यहाँ पर, मियां बीवी राजी वाला काम करने नहीं आए, उसका ऑलरेडी कोई है बाहर और तुम्हारा वैसे भी कुछ होने वाला है नहीं सही, और पुष्कर को ही देख लेना भाई बाहर आकर, सीजन में कितना सही पीछे पड़ी थी, अब उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि पुष्कर और उसकी वाइफ का भी मचमच होने लग गया, बात डिवोर्स तक आ चुकी, मुझे पता नहीं सही बात है या गलत, लेकिन सुनने में तो आया कि बात डिवोर्स तक पहुंच चुकी है, तो भैया बिग बॉस में ऐसे रिलेशन मत बनाओ कि आपकी रियल लाइफ बाहर आकर यू नो बर्बादी के कगार पर आ जाए। तो शिव भाई शो को शो की तरह खेलो, टास्क को टास्क की तरह परफॉर्म करो, और जिन लोगों को आपके सेंटिमेंट की कदर नहीं है उनके पीछे पीछे भागना बंद करो। सो ये है इस एपिसोड का पूरा लबोलवा, आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्या नहीं लग रहा कि ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड लग रही है, शिवानी को पहले लाना फिर वापस 21 दिन बाद निकाल देना, फिर पूरी तैयारी करा के वापस से लाना मेहमान बनाकर, फिर सडनली उसको कंटेस्टेंट बना देना, तो कहीं ना कहीं जैसे पिछले सीजन में महेश मांजरेकर जी ने सुशांत को लेकर बातें कही थी, वो अपने ही स्टेटमेंट से यू टर्न मार गए और उन्होंने अपने ही बोले शब्दों को कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि दे दी कि भाई माझा बैट माझी बॉल माझा पिच, जो चाहे वो करूं मेरी मर्जी। शिव और वीना की इस ये जो आज बातचीत हुई है इसके ऊपर आपका क्या नजरिया, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा, एंड जिस तरह से एपिसोड में शिवानी रोई, क्या आपको लग रहा है कि वो सच में डर गई थी या कहीं ना कहीं उसने एक सिंपथी लेने वाला एक एटीट्यूड दिखाया, मुझे तो पता नहीं क्यों ये एक फुटेज सीकिंग एक्टिविटी लगी, क्योंकि ये शिवानी इतनी कमजोर तो है नहीं कि वो रो पड़े, ये वही शिवानी है जिसने हमेशा दूसरों को रुलाने की पुरजोर कोशिशें की हैं, ये वही शिवानी है जिसने बाहर सोशल मीडिया पर पराग के खिलाफ भी बहुत कुछ बोला था, ये टास्क में ऐसा कैसे कर सकता है, और जब पराग के साथ जो गलत हुआ उसके ऊपर तो कभी कुछ कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आपने थोड़ा सा माधव इनको वाइल्ड क्या देख लिया आप तुरंत रो पड़ी, जस्ट इमेजिन कि उस बंदे ने क्या क्या फेस किया होगा। सो आप अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स, आपने समय निकाला वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।